हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद स्वप्निल में। सो आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड से ही आज हम DIY करेंगे। तो इसकी आज की वीडियो में हम किसी के लिए घर बनाने वाले हैं, तो वीडियो तक बने रहना और आपको पता चलेगा कि हम किसके लिए घर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड लिया और उसको मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के उसको कट कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा रखना चाहते हो, कितना छोटा रखना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो इसे। तो यहाँ पर मैंने सेम साइज़ के टू कटआउट्स कट किए हुए हैं। देन उसके बाद मैं साइड के लिए एक और इस तरह से कट कर लूँगी कार्डबोर्ड। तो इसको भी मैं सेम साइज़ में टू कट करूँगी। देन उसके बाद इनको ग्लून के हेल्प से असेंबल कर दूँगी, तो ये जल्दी चिपक जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लूगन का यूज़ किया है। अगर आपको जल्दी ना हो तो आप फेविकोल का भी यूज़ करें। फेविकोल का यूज़ मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि वो निकलता नहीं है और ग्लूगन बाद में निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको चिपकाने के बाद में मास्किंग टेप का यूज़ किया है इसको सिक्योर करने के लिए, ताकि ये निकले ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी निकले ना, क्योंकि ग्लूगन से चिपकी हुई चीज़ें भी उखड़ जाती हैं, निकल जाती हैं, उतनी जल्दी फेविकोल की नहीं निकलती, इसलिए फेविकोल ज़्यादा अच्छा होता है। इंस्टेंट चिपकाने के लिए ग्लूगन ठीक है, तो उसके बाद आप उसको क्या नाम, आपको स्ट्रॉन्गली के लिए या तो टिश्यू पेपर से या फिर मास्किंग टेप से एक कवरिंग देनी पड़ती है। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से एक दरवाज़ा टाइप से बना रही हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक बर्ड हाउस, क्योंकि मेरे यहाँ जो चिड़िया है ना वो घोंसला देती हैं, बट वो ऐसी जगह दे देती हैं कि मतलब घोंसला रखती हैं ऐसी जगह कि वो टूटने का काफ़ी डर रहता है, और कभी कभी तो टूट भी जाता है, गिर भी जाता है, और इसलिए मैं उनके लिए एक घर बना रही हूँ ताकि वो एक अच्छे से सिक्योरली घोंसला बना सके और कोई नुकसान भी ना हो, और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं उन्हीं के लिए ये एक प्यारा सा घर बना रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे बेस में लगाने के लिए कार्डबोर्ड को कट किया है और उसमें फेविकोल को लगाया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ग्लूगन से चिपकाती तो वो निकल जाता बाद में, इसीलिए मैंने यहाँ पे फेविकोल लिया। और यहाँ अब मैंने यहाँ पे फेविकोल और वाटर का मिक्सचर लिया है, जहाँ पर एजेस थे तो वहाँ पर मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर लगा के उसके गैपिंग को फिल कर दिया। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर से या कोई भी पेज से छोटे छोटे टुकड़ों को कट करके इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने इतना ही लगाया है, अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे, एंड तब तक हम अपनी प्यारे प्यारे सी छोटी छोटी सी बर्ड्स बना लेते हैं। तो इनको बनाना बहुत ही ईजी है, शेप दे दो और बस कटिंग कर दो इनकी। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर का पंख भी बनाऊंगी। यहाँ पर फेविकोल से मैं इसको आपस में स्टिक कर दूंगी। तो इस तरह से हमारी एक चिड़िया बनकर रेडी है। तो इसी तरह से मैंने दो बनाई थी। तो अब हमारा ये पेपर सूख चुका है, तो हम बारी है इस पर कलर करने की। तो अब हम यहाँ बेस में नीचे वो ग्रीन कलर कर रहे हैं। इसको सजाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसको डेकोरेट करना चाहते हो, कितना क्या क्या इसके ऊपर लगाना चाहते हो। मैंने ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया, थोड़ा सा सिंपल ही रखा है क्योंकि मुझे ऊपर रखना है, तो ऊपर धूप भी लगेगा और मिट्टी भी आएगी, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। आप चाहे तो आर्टिफिशियल जो बर्ड्स आती है वो भी लगा सकते हैं।
तो अब मैं यहाँ पर इसमें ब्रिक पैटर्न बना रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छा भी लगता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिक पैटर्न बना रही थी। तो मैंने ऐसे ऐसे पूरे में बनाया एंड बीच में मैंने कुछ जगह खाली रखी हुई थी, तो वो भी आपको आगे दिखेगा कि मैंने क्यों खाली रखी आगे। तो गाइस जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बिना लाइक किए कमेंट किए बगैर मत जाना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। सो अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं बीच में इस तरह से ब्लैक कलर से सर्कल बनाऊँगी, जो मैंने मेज़रमेंट में पहले ही इसको थोड़ा सा किसी की हेल्प से आउटलाइन कर लिया था। तो इस तरह से हमने नीचे मैं अब घास बनाऊंगी, घास फ्लावर वगैरह, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, नीचे थोड़ा सा खाली खाली भी लग रहा था, तो इस तरह से मैंने घास वगैरह बनाई और कुछ फ्लावर्स भी बनाए मैंने यहाँ पर। अब आ रही है हमारी चिड़ियों को कलर करने की, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो कलर की चिड़िया बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर की बर्ड्स बनाई थी, मैंने दोनों चिड़ियों पे येलो कलर किया, देन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अलग डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तो इसलिए बाद में आप जब लास्ट वीडियो का क्लिप देखोगे उससे मैंने एक बर्ड्स को ब्लू कलर से कलर कर दिया है, वो लगने के बाद ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो कभी बात चीज़ें बाद में समझ में आती हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, तो आप उनको ठीक भी कर सकते हो। तो अब बारी इनको असेंबल करने की, तो मैंने इस तरह से चिड़ियों को लगा दिया है। तो चलिए हमारा ये प्यारा सा हाउस बनकर रेडी है, आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो हमारा बर्ड हाउस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड इसमें एक छोटा सा घोंसला भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।